Assalamualaikum, welcome to my first vlog. बहुत वेलकम है जी भी नहीं हो गया है. रात के 2 बज रहे हैं और मेरी मामा को लगी है भूख. उनका ये रोज़ का ही होता है कि उनको इस टाइम भूख लग जाती है और फिर कुछ ना कुछ उनको बना के देना पड़ता है. लाइक आज मैं बना रही हूँ, वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ सवैया. आई डोंट नो इसका क्या नाम होता है बट पर भूख लगी है तो कुछ ना कुछ लेट नाइट बनाना ही है. सो मैंने स्टार्ट किया तो एज़ यूजुअल गैस नहीं थी, तो इस रात को हम इस टाइम ज़्यादातर लिक सिलेंडर यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हमने पैन लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा डाला है, एक चम्मच नहीं, थोड़ा सा एक चम्मच देसी घी डालकर उसके अंदर लिया चूरा चूरा करके, थोड़ी सी पड़ी हुई थी सेवैयाँ और उसको मैं डाल रही हूँ अब उसके अंदर. मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे सही से कैमरे का एंगल नहीं करना आ रहा कि किस तरह करते हैं, बट मैं सीख जाऊँगी इंशाल्लाह. तो मैं इसको खोल के इसके अंदर डालूँगी और इसको अच्छे से भूनना है, मतलब थोड़ा लाइट ब्राउन बस करना है, मतलब थोड़ा सा 1-2 सेकेंड के लिए मुझे इसको अच्छे से भूनना है. आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मतलब क्या नाम है इसका, बट ये बहुत 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 यम्मी बनती हैं और मेरी और मामा की फेवरेट है. मैं इसे ऐसे अच्छे से भून के इसके अंदर दूध डालना है, जो कि मुझे नहीं था पता कि मैंने निकाला था, फिर इसमें से दूध निकाला और उसको डाला अच्छे से गैस में पहले, ताकि उसको उसके मुताबिक जितना डालना मैं दूध उसके मुताबिक उसके अंदर डाल दूँ. मेरा दिल करता है कि जैसे आप भी, मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो पर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, तो ऐसा दिल करता है कि आप भी मुझे कमेंट्स के जरिए आप अपनी बातें, अपने अच्छे अच्छे थाट्स, अपनी अच्छी अच्छी बातें मुझसे शेयर किया करें, ताकि उसके भी उसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करें. वैसे तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बट मैं दिल करता है कि ऐसे मैं लोगों के थाट्स देख सुनूँ, मतलब और अपनी भी सुनाऊँ. पर पर्सनल किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए, पर्सनल जो होता है ना वो आपका अपना ही होता है. इंसान जितना मर्ज़ी कह लेना कि हम, हाँ सामने वाला बंदा हमें अच्छे से समझेगा, बट नहीं, जो जिस पे बीत रही होती है ना वो ही उसको अच्छी तरह से समझ सकता है. और इसके अंदर मैंने चीनी डाली है बगैर नापे, क्योंकि मुझे आदत है मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ बगैर नापे ही उसको करती हूँ. अगर घर में खाना मैं ही बनाती हूँ सारा कुछ काफ़ी देर से, और मेरा खाने भी बहुत पसंद है सबको, उनकी भी रेसिपीज़ मैं आस्ते आस्ते शेयर करती रहूँगी, जो जो मुझे फेवरेट लगते हैं, जो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ. और अभी इसके अंदर थोड़ा 2 इलायची डाली हैं. खैर मैंने चीनी का बता रही थी, चीनी 2 टेबल स्पून आपने डालनी है, अगर अगर कोई बनाना चाहे इस तरह की तो मस्ट बनाए. सो अब मुझे याद आया कि फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ, पहले याद नहीं था इसलिए थोड़ा वो वीडियो भी थोड़ी डिम डिम थी. खैर मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया और अब मैं अच्छे से किचन की सफाई कर रही हूँ, ताकि कुछ पीछे बट पर चला रहे और अब इसको बॉयल आने तक इसको जब तक ये सूखता नहीं, सूखती नहीं है, सूखती नहीं है, तो तब तक इसको खिलाते रहना. बट जिस टाइम मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, फुल नींद में हूँ, पता नहीं कैसे कर रही हूँ. मैं सोच रही थी कि जो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं क्या इतनी मेहनत लगती है, क्या करना होता है, बट अब अंदाज़ा हो रहा है कितनी मेहनत लगती है. और आजकल मैं डाइट पर हूँ तो इस टाइम बहुत दिल करता खाने का, ये सवैया मैं नहीं खाऊंगी. तो ये आम की चटनी बनी हुई थी, इसकी भी रेसिपी बहुत बताऊँगी मैं आपको, बहुत बहुत मज़े भी आएंगे, खट्टी खट्टी सी, बहुत मज़ा आता था. थोड़ा सा इसको टेस्ट किया और टेन पर मैं इसको रख चुकी वापस, मुझे ज़्यादा नहीं खा सकती. अच्छा डाइट में जो मर्जी कर लो, आपको भूख तो लगनी ही लगनी है और क्रेविंग्स और बढ़ जाती हैं, जो चीज़ें नींद भी ना पसंद होती है वो भी हमें दिल करता है कि हम वहाँ पर खाएँ. क्या इसका दूध जो है वो सूख चुका है और अब इसको अच्छे से बस थोड़ा सा भूनना है, देन फिर इसके अंदर मलाई डालनी है, क्रीम, इसको क्रीम निकाल के लाई हूँ. और इसके अंदर डालूंगा 2 टेबल स्पून क्रीम के, मलाई के जो घर वाली होती है, ठीक है, इससे इसका जायका और ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब इससे जायका बनता है, यही कह रहे हैं आप. तो इसकी थोड़ी सी आँच मैं कम कर रही थी ताकि ये जल ना जाए नीचे से ना. तो अब इसके अंदर डालेंगे मलाई, 2 चम्मच मलाई डाल के अच्छे से इसको हिलाएंगे. वैसे व्लॉग्स बनाने से इंसान बोर नहीं होता, क्योंकि हम अपने ही ध्यान लगे रहते हैं और बातें आप लोगों से शेयर करते रहते हैं. वैसे फजूल बोंगी छोड़ी हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा वैसे क्या बातें करूँ. दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं पर की नहीं जा रही. फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ किस तरह की आ रही है. वैसे तो मेरी सिंगिंग में बहुत अच्छी आवाज़ है, बट वॉइस ओवर में आई डोंट नो. मैं ये थोड़ा सा बादाम ले रही थी ताकि मैं बादाम भी बीच में डाल दूँ और ये मुझसे खुल नहीं था रहा एक हाथ से, तो फिर मैंने इसको ज़ोर से खोलना खोलने की कोशिश की, फिर खुल गया. फिर इसके अंदर मैंने बादाम थोड़े से निकाले और थोड़े से 1-2 खुद भी खाए, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी कसम से. डाइट के दौरान बहुत ज़्यादा भूख लगती है. फिर मैंने ऐसे कैमरा रख के करने की कोशिश की काटने की, पर वो नहीं सही से कट रहा था, तो नज़र ही नहीं था आ रहा.
फिर मैंने फिजूल सी ट्रांजेक्शन बनाने की कोशिश की जो कि नहीं हुई। मेन काम जब हम बना रहे होते हैं ना, खाना कुकिंग कर रहे होते हैं, तो मेन काम होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी ना आपकी, उतना मतलब आपको देखने में मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा, नेक्स्ट पर्सन को भी और आपको भी। मेरा यही होता है कि मैं जब भी कोई चीज़ बनाऊँ ना, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि फिर उसके बगैर मज़ा ही नहीं आता। कि इंसान को खाना देखने में अच्छा लग रहा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। वही ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जो आपका पड़ जाता है ना, वो तो फिर चाहे आपका खाना तो मज़े का भी ना बनाओ, और फिर वो जो इंप्रेशन पड़ा होता है ना कि यार इतने मज़े की डिश लग रही है, तो बहुत मज़े का। तो खैर ये बन गई थी, और इसके ऊपर मैंने बादाम ऊपर डाले ताकि इसकी लुक और भी अच्छी हो जाए। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप खाना बनाए ना, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी किया करें, इसी से दिल खुश हो जाता है, सारी मेहनत सारी थकान उतर जाती है देख के कि यार कितना मज़े का लग रहा है खाना। और जब मैं प्रेजेंटेशन कर लेती हूँ ना, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है मेरी, और फिर मैं उसके बाद इसकी जो फोटो सेशन करती हूँ, क्योंकि इंसान मेहनत करके आता ना, तो उसके बाद पिक्चर्स देख रहा होता है ना कि यार कितना मज़े का बनाया मैंने, बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।